हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका ये वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम आभार प्रकट करना चाहते हैं लीगल साइट इंडियन कानून डॉट ओ आर जी का। आपको भी यदि किसी प्रकार के कोई लीगल मैटर्स, कोई कोर्ट ऑर्डर्स, ये सब आपको सर्च करने होते हैं तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमारे CAPF का मेडिकल होता है उसमें रिव्यू मेडिकल में एक क्लॉज रहता है, एक लाइन लिखी रहती है कि द डिसीजन ऑफ द रिव्यू मेडिकल बोर्ड इज फाइनल एंड नो अपील विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर दिस, ऐसा कुछ। तो यहाँ आपको बता दें कि किस तरीके से रिव्यू मेडिकल हुआ और कौन कौन से पॉइंट उठाए गए, रिव्यू मेडिकल कब हुआ था। एक भ्रांति हमारे देश में अभी भी है कि कोर्ट कचहरी में तो सालों लग जाते हैं। तो ये फैसला है विशाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, रिट पिटीशन कब किया, नंबर आप देख सकते हैं, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला है। एडवोकेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर पिटिशनर के लिए कौन है और यूनियन ऑफ इंडिया के लिए कौन है। मैटर क्या है, मैटर देखिए आपको ब्रीफ थोड़ा सा बता देता हूँ कि BSF में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जो कि कॉन्स्टेबल से सब इंस्पेक्टर के लिए भी होता है और सब इंस्पेक्टर के लिए असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी होता है। यहाँ पर ये जो पिटिशनर हैं, इन्होंने सब इंस्पेक्टर ये हैं ऑलरेडी और इन्होंने एग्ज़ाम दिया था लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम LDCE इसको बोलते हैं, BSF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, और उसमें इनको मेडिकली अनफिट कर दिया। उसके बाद इनको रिव्यू मेडिकल में भी अनफिट कर दिया। उसके खिलाफ ये जाते हैं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में। यहाँ पर देखिए, द पिटिशनर हु वाज वर्किंग एज सब इंस्पेक्टर विद द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपीयर्ड फॉर लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर एडवांसमेंट टू द ग्रेड ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट ऑन 28 अगस्त 2022 को एग्जाम हुआ था। आफ्टर क्लियरिंग द सेड एग्जामिनेशन He appeared for physical examination on 20th September and was consequently interviewed on 19 May 2023 को इनका इंटरव्यू हो गया। The petitioner was subjected to a medical examination on 8th June. 8 June 2023 को इनका मेडिकल होता है, where he was declared unfit on 9 June 2023 on the ground that his hemoglobin was 16.9. अब ये आपको पता है कि मेडिकल गाइडलाइन में हीमोग्लोबिन कितना है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 12 से 16 होना चाहिए, 16 से ऊपर चला गया। हालांकि ये लिखा हुआ है उसमें कि 18 से ऊपर है वो अनफिट है, लेकिन 16 से 18 के बीच में उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि 16 से 18 के बीच जो है वो भी अनफिट ही माना जाएगा। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स भी इनके यूरिन में फाउंड किए गए। तो कॉन्सिक्वेंट ऑन हिज रिप्रेजेंटेशन, अब इन्होंने रिप्रेजेंटेशन एक लगाया तो उनका, ही वॉज सब्जेक्टेड टू ए रिव्यू मेडिकल बोर्ड ऑन 10th June 2023। 10 जून को ही इनका रिव्यू मेडिकल बोर्ड हो गया, विच फाउंड दैट अपार्ट फ्रॉम कैल्शियम ऑक्सलेट इन द यूरिन RBC वॉज ऑल्सो प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 8 to 10 HPF इन द यूरिन। अब लर्नेड काउंसिल जो है वो यहाँ पर पटिशनर एडवांसेस तीन सबमिशन इनकी तरफ से जाते हैं पटिशनर की तरफ से। पहला क्या है, एब्जॉर्ब्स द रिव्यू मेडिकल बोर्ड दैट इज फर्स्टली दैट द रिव्यू मेडिकल बोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फाउंड RBC इन द यूरिन, यानी कि यूरिन में जो RBC है वो डिटेल मेडिकल बोर्ड वाले में नहीं आई थी। वेयर एज नो RBC वॉज फाउंड इन द यूरिन आइदर इन इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड एट एन आउटसाइड प्राइवेट लेबोरेटरी में भी इन्होंने चेक करवाया, उसमें भी नहीं आया था। तो RBC जो है रिव्यू मेडिकल बोर्ड वाले में ही कैसे आ गया, एक पॉइंट इनका ये है। सेकेंडली, दूसरा पॉइंट है दैट द रिव्यू मेडिकल बोर्ड वॉज कंडक्टेड इन टू डिफरेंट लेबोरेटरीज इंस्टीड ऑफ वन, कि एक लेबोरेटरी में नहीं करवाएगी जांचें दो लेबोरेटरी में करवाएगी। और तीसरा पॉइंट इनकी तरफ से है कि दैट द रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन वॉज ओवर इन हाफ एन आवर, कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आधे घंटे में ख़त्म हो गया, मिशन मोड में काम खत्म हो गया। तो ये तीन पॉइंट थे, इन तीन पॉइंट के आधार पर
माननीय न्यायाधीश महोदय क्या फैसला लिखते हैं यहाँ पे, गिवन द फैक्ट दैट द मैटर इन्वॉल्व्स एडवांसमेंट इन द करियर ऑफ एन ऑफिसर इन द बीएसएफ एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ द डिसक्वालिफिकेशंस विच वर फाउंड, दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वुड बेस्ट बी subserved if the petitioner is directed to be re-examined by one more review medical board which shall proceed strictly in accordance with the guideline dated 31st May 2021। यहाँ पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने देखिए फैसला दे दिया कि न्याय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पालना उसकी स्थिति में इनके साथ जो हुआ है, एक मौका इनको दिया जाए, एक रिव्यू मेडिकल बोर्ड बने और वो इनको चेक करे अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइंस 31 May 2021 इशूड इन दिस दैट रिगार्ड, जो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है इस संबंध में, एनेक्स्ड एज एनेक्सर P6 टू द रिट पिटीशन। और रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कई बार हमारे वीडियोज देख कर कुछ कमेंट्स आ जाते हैं कि ये मेडिकल गाइडलाइन आपके पास कहाँ से आया, वो तो गूगल पर है और जो गूगल पर है वो सार्वजनिक है, ये फैसला भी गूगल पर है। और फैसला हम आभार प्रकट करते हैं indiancanoon.org का कि जिनके यहाँ से ये फैसला लेकर हम हमारे जो कैंडिडेट्स हैं फौज में भर्ती होने वाले उनको सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने का एक मकसद है कि देखिए आपके साथ कोई इस तरह का वाकया होता है। यहाँ पर जो पिटिशनर हैं वो ऑलरेडी बीएसएफ में सर्विंग हैं तो उनको पता था कानून क्या है और क्या उनके अधिकार हैं, लेकिन एक गांव का बच्चा जो है उसको नहीं पता होता कि क्या उसके अधिकार हैं। और दूसरी बात, सपोर्ट नहीं होता कोर्ट में जाने के लिए, उसके पास पैसा भी उसके पास इतना नहीं अरेंज हो पाता। तो लेकिन आपके साथ यदि गलत हुआ है और आपको लगता है कि मेडिकल गाइडलाइन की पालना नहीं हुई है तो आप बिल्कुल फाइट कर सकते हैं जैसा इन्होंने किया, और फाइट किया तो शैल री एग्जामिन द मेडिकल लिजिबिलिटी एंड एंटाइटलमेंट ऑफ द पिटिशनर फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट। यानी जो मेडिकल का जो आपका सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 4 है उसमें जो लाइन लिखी हुई है कि कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी री मेडिकल बोर्ड के फैसले के खिलाफ, री मेडिकल बोर्ड का फैसला फाइनल है, उसके खिलाफ भी एक अपील होती है, वो अपील है कि आपके साथ यदि गलत हुआ है तो आपके साथ जैसा विशाल जो है इनको लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, आरबीसी तो पहले रिपोर्ट में नहीं आया था, दूसरे में कैसे आ गया, बात सही है, और प्राइवेट लैब में भी चेक करवाया, दो दो लैब में किस आधार पर चेक करवाया और आधे घंटे में ही रिव्यू मेडिकल बोर्ड कैसे हो गया, ऐसे पॉइंट्स इन्होंने उठाए और उन पॉइंट्स का आप फायदा देख रहे हैं। इनका ऑर्डर हो गया, अब ऑर्डर के बाद इनका क्या होता है, फिट होते हैं अनफिट होते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर नहीं है। फैसला कब का है, ये फैसला है 30 जून 2023 का और 10 दिन का समय दिया गया, लेट द नीडफुल बी डन विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज फ्रॉम टूडे, नीडलेस टू से शुड द पिटिशनर कंटिन्यू टू बी एग्राइव्ड बाई एनी डिसीजन दैट इज टेकन द राइट्स ऑफ द पिटिशनर एज अवेलेबल इन लॉ स्टैंड रिजर्व्स। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि पिटिशनर जो भी अभी रिव्यू मेडिकल बोर्ड बैठता है दोबारा से उसके फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो इनके जो भी कानूनी अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं। और ऑर्डर जो है वो आपने देखा, तो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स उनको, और इस तरह के देखिए वीडियोस को देखकर हो सकता है कि कुछ हमारे कैंडिडेट्स जो मेडिकल फिट हो चुके हैं उनको ये लगता है कि ऐसे जो पिटिशंस होती हैं उनसे भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव पड़ता है, रुक जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसके साथ गलत है, जिसका जो अधिकार हैं जिसके कि उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए कैंडिडेट के साथ, वो उसका मौलिक अधिकार है एक तरह से कि भर्ती प्रक्रिया में समानता का अधिकार है। 16 डिग्री पर अनफिट किया जा रहा है और 19 डिग्री पर फिट किया जा रहा है, कैरिंग एंगल ऐसा हम देख रहे हैं, तो समानता का अधिकार सबके साथ होना चाहिए। वो समानता का अधिकार हमारा संविधान देता है, हमारी न्यायपालिका है वो देती है, और न्यायपालिका में जाने का अधिकार भी संविधान देता है, हर एक नागरिक को देता है, कुछ अधिकार विदेशी नागरिकों को भी हैं। तो फिर से हमारा साइट indiancanoon.org का हम आभार प्रकट करते हैं इस वीडियो के लिए, और हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जिनके साथ गलत हुआ है वो इस तरह का देखिए
स्टडी करें, मेडिकल गाइडलाइन का स्टडी करें और कंसल्ट करें कि इससे आपके साथ जो भी आपका पॉइंट है, यदि गलत तरीके से आपको अनफिट किया है तो आप किस तरीके से फाइट कर सकते हैं। और फाइट करे बिना तो देखिए आपको कुछ हासिल होगा नहीं, कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।